ठीक है, अब क्लास नाइन्थ मोशन चैप्टर का जो चैप्टर एंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसका सलूशन बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। कोई सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर 200 मीटर है, ठीक है, और वो उसको 40 सेकेंड में कंप्लीट करता है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड पर उसका द्वारा चली गई दूरी और उसका डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। अब देखिए, एथलीट है, किसी ए पॉइंट से स्टार्ट करता है दौड़ना, सर्कुलर फील्ड पे दौड़ता है, ठीक है, और इस सर्कुलर फील्ड की डायमीटर, यही ना होती है डायमीटर, रेडियस का दुगना, ये 200 मीटर है, ठीक है। तो इस सर्किल को उसे कंप्लीट करने में, इस फील्ड को 40 सेकंड लगते हैं एक चक्कर लगाने में, तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितना दूरी चलेगा ये पूछ रहा। तो सबसे पहले तो ट्रैक का लेंथ निकाल लें, टोटल लेंथ कितनी है, तो इसका तरीका हम जानते हैं, इसका सर्कमफेरेंस निकालना पड़ेगा सर्किल का, सर्कुलर फील्ड का। तो लेंथ ऑफ सर्कुलर ट्रैक इज इक्वल टू 2πr, यही फार्मूला होता है सर्किल का, पेरीमीटर का या सर्कमफेरेंस का। तो पाई इंटू 2r कर दिए इसी को रीअरेंज करके, और 2r का मतलब होता है डायमीटर, कैपिटल डी, भाई डायमीटर दिया हुआ है और रेडियस आधा होता है डायमीटर का, तो यहाँ 2r कर दिए तो दोनों r और r मिलके डायमीटर बन गए, तो पाई इंटू डी। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू डायमीटर कितना, 200 मीटर, तो 4400/7 मीटर आ गया इसका सर्कमफेरेंस, टोटल लेंथ सर्कुलर पाथ का, ठीक। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 40 सेकेंड, एक चक्कर लगाने में 40 सेकेंड लग रहा है, तो 40 सेकेंड में इतनी दूरी चल लिया 4400/7 मीटर। तो अब 40 सेकेंड में इतना चल लिया तो 1 सेकेंड में कितना चलेगा, जब भाई 40 सेकेंड में इतना चल लिया 1 सेकेंड में निकाल रहे हैं, तो 40 से डिवाइड कर दें इसको, तो देखिए ये 40 आ गया नीचे, 7 × 40, तो पता चल जाएगा कि वो हर सेकेंड कितनी दूरी चल रहा है, तो 110/7 मीटर आ गया 1 सेकेंड में चली गई दूरी। तो अब ठीक है, जब 1 सेकेंड का निकल गया तो 2 मिनट 20 सेकेंड का भी निकाल लेते हैं, इसको भी सेकेंड में बदल लेते हैं, 2 मिनट 20 सेकेंड को सेकेंड में बदलेंगे तो 140 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी दूरी चला पता चल गया, तो 140 सेकेंड में कितनी दूरी चलेगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं इतने में इतने से, तो 110/7 × 140 इज इक्वल टू 2200 मीटर, और इसको अगर किलोमीटर में बदल दें तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 2.2 किलोमीटर, ओके। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है कि इतने समय में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो भाई एक चक्कर ए से स्टार्ट किया और एक चक्कर लगा के ए तक पहुंच गया, तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो गई, तो 40 सेकेंड में उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जा रही है, जीरो। अगला 40 सेकेंड में फिर एक चक्कर लगाएगा, फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो। तीसरे राउंड में भी 40 सेकेंड में चक्कर लगाएगा, फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो। यानी 40 + 40 + 40 120 सेकेंड, 3 times में वो जो है उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जा रहा। अब बचा अगले 20, तो एक चक्कर लगाने में 40 सेकेंड लग रहे हैं, तो 20 सेकेंड बचा तो वो आधा चक्कर जाएगा यानी बी तक जाएगा। तो यही देखिए दे रहा, इन द नेक्स्ट 20 सेकेंड ही जस्ट अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट के जस्ट अपोजिट होगा, therefore the magnitude of the displacement of the athlete at the end of 140 second is equal to diameter of the circular track। बस यहाँ से यहाँ तक आया तो यही shortest distance हुई ना, A से B के बीच की, ये वाली थोड़े लेंगे, displacement पूछ रहा है तो shortest distance लेते हैं, तो यही तो 200 है, 200 meter diameter ही, तो ये displacement 200 meter होगा, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जोसेफ जॉक्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 50 सेकेंड। ए से बी तक 300 मीटर गया 2 मिनट 50 सेकेंड्स में,
and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. और B से C तक 100 meter आया 1 minute में. तो what are Joseph average speed and velocity in jogging? जब A से B तक गया तो उसका दोनों condition में निकालना है average speed और average velocity. और जब A से C तक है तो फिर उसका दोनों चीज एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है. देखिए फर्स्ट केस, जब ए से बी तक जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों केस में मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट भी 300 मीटर होगा और डिस्टेंस भी 300 मीटर ही होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी वही होगी और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस भी वही होगी. तो जब दोनों एक ही बराबर है 300 मीटर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो आप अब निकाल लीजिए, टाइम को चेंज कर लिया मैंने सेकंड्स में. अब एवरेज स्पीड ए टू बी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस 300 अपॉन 170 1.76 मीटर पर सेकंड. इसी तरह एवरेज वेलोसिटी निकाल लिया ए टू बी, तो एवरेज वेलोसिटी है इसलिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट भी 300 मीटर ही है और टाइम वही है 170 सेकंड, तो 1.76 मीटर पर सेकंड. यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पर्सन स्ट्रेट लाइन पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा तो उनकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम होगी. ओके, अब नेक्स्ट केस में देखिए, ये पर्सन ए से बी तक 300 मीटर गया और फिर बी से सी तक 100 मीटर आया, तो टोटल डिस्टेंस तो भाई हो गई ए से बी प्लस बी से सी, यानी 300 प्लस 100 यानी 400. देखिए यहाँ डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम ए टू सी 300 मीटर प्लस 100 मीटर इज इक्वल टू 400 मीटर. ठीक, लेकिन अब इनिशियल पोजीशन ए थी, अब फाइनल पोजीशन सी हो गई, तो जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ए सी ही होगी ए और सी के बीच की, यहां से यहां थोड़े जाएगा ए से बी और फिर सी. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी होती है, तो ए से सी तक. तो जब ए से सी करेंगे तो टोटल 300 में से 100 माइनस करें, तो ये देखिए 300 माइनस 100 यानी 200 मीटर, यानी डिस्टेंस हमें मिल गया 400 मीटर और डिस्प्लेसमेंट मिल गया 200 मीटर. अब एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू सी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देते हैं, टाइम देख लीजिए यहाँ 1 मिनट बढ़ गया था, तो ये 1 मिनट ऐड करेंगे ना टाइम में, तो यहाँ पे 170 में 60 सेकंड ऐड किया है तो 230 सेकंड हो गया. तो एवरेज स्पीड आ गया डिस्टेंस अपॉन टाइम 400 अपॉन 230, ये आ गया 1.74 मीटर पर सेकंड. और एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 200 मीटर है, टाइम है 230 सेकंड, तो ये है 0.87 मीटर पर सेकंड. उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा. इस तरह के बहुत से न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम में आते हैं, इसलिए इसे बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से समझिए. ना समझ में आए बार बार वीडियो को देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा. हमारा थर्ड क्वेश्चन, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, जब स्कूल जा रहा था तो इसकी एवरेज स्पीड जो है ट्रिप की 20 किलोमीटर पर आवर थी. ठीक, उस समय ट्रैफिक भाई ज़्यादा रहा होगा. ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट, जब वापस लौट रहा था उसी रूट पर, तो देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर. तो स्पीड तो दे दिया है 20 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर, और कह रहा व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप, अब्दुल के ट्रिप की जो एवरेज स्पीड है वो क्या थी. तो भाई एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए. ठीक है, यहाँ पे तो हमें स्पीड दे दिया लेकिन टाइम तो हमें दिया नहीं, कितने देर का सफ़र था. तो सबसे पहले हमको टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, तो चलिए टाइम फाइंड आउट करते हैं. तो मान लेते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस गया वो x किलोमीटर गया. लेट द डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम अब्दुल सोम विल बी एक्स किलोमीटर, एक्स किलोमीटर को गया मान लीजिए. तो टाइम टेकन बाई अब्दुल टू रीच द स्कूल, स्कूल पहुंचने में लिया गया टाइम, तो जो फार्मूला होता है स्पीड हम लोग पढ़े हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम. भाई हम लोग एक फार्मूला पढ़े ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम.
ये देखिए ये फार्मूला हम लोग पहले से जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। तो टाइम निकालना है तो टाइम यहाँ आ जाएगा, स्पीड यहाँ आ जाएगी, तो फार्मूला हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन स्पीड। तो वही देखिए यहाँ पे फार्मूला लगाया गया कि जो टाइम लगा उसको जाने में एक्स किलोमीटर, तो टाइम टी वन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन एवरेज स्पीड एक्स अपन 20, ठीक है, आवर्स इतने देर लगे। फिर वापस आते समय का भी निकाल लेते हैं समय, तो वापस आने में लगा समय, तो डिस्टेंस अपन एवरेज स्पीड, तो वापस आने में क्या स्पीड से आया था, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे 30 होना चाहिए, इट इज रिटन रॉन्ग। देखिए क्वेश्चन में ही यहाँ चेंज कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम 30 की जगह 40 किलोमीटर पर आवर ले रहे हैं, ताकि हमारे कैलकुलेशन में बहुत चेंज ना करना पड़े। तो अब दूसरे वाले केस में डिस्टेंस अपन एवरेज स्पीड है, तो डिस्टेंस है एक्स और स्पीड है 40, तो टाइम हो गया एक्स अपन 40 आवर्स, ओके। तो अब टोटल टाइम हमें मिल गया, ठीक है, तो टोटल टाइम अब हम निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल स्ट्रिप। भाई हमें जाने और आने का दोनों का टाइम मिल चुका है, टोटल डिस्टेंस हमें मालूम ही है एक्स किलोमीटर जाना और एक्स किलोमीटर आना, तो अब बस हम निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड। जब भाई डिस्टेंस भी पता है और टाइम भी पता है तो हम वैल्यू रख कर निकाल लेंगे। तो एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल स्ट्रिप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस एक्स प्लस एक्स, एक्स किलोमीटर जाना एक्स किलोमीटर आना, ठीक, और टाइम यहाँ पे मिला है हमको पहले वाले में एक्स अपॉन 20 प्लस एक्स अपॉन 40, ठीक। अब इसे कैलकुलेट कर दीजिए, 2x अपान इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये मिलेगा 4x प्लस 2x अपान 80, ओके। अब 80 जंप करके ऊपर चला गया, 2x इंटू 80 अपान 6x, x से x क्रॉस हो गया, और इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 80 अपान 3 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से सुनिए और समझिए। इसमें स्पीड दिया हुआ था, टाइम नहीं दिया था, तो हमने टोटल डिस्टेंस एक्स किलोमीटर मान लिया जाने का, उसके बाद हमने जाने का टाइम और आने का टाइम निकाल लिया। इस तरह से हमें टोटल डिस्टेंस एक्स प्लस एक्स मिल गई जाने आने का, और टाइम भी मिल गया, और हम एवरेज स्पीड आसानी से निकाल लिए टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम में पुट करके वैल्यू। देखिए एक्स प्लस एक्स अपन दोनों टाइम को ऐड करके, ठीक है, और हमारा आंसर आ गया 80 अपन 3 किलोमीटर पर आवर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है यानी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, ठीक, ऑन ए लेक एक्सेलरेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कॉन्स्टेंट रेट, एक्सेलरेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन, तो एक्सेलरेट दिया है देखिए 3 मीटर पर सेकेंड, इसको यूनिट देखकर भी हम समझ जाएंगे कि ये क्या चीज है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, फॉर 8 सेकेंड, टाइम भी दे दिया t इज इक्वल टू 8 सेकेंड। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, हाउ फार यानी यस कितनी दूरी चला, यस निकालना है, यस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। तो भाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करके फार्मूले में पुटअप कर दें, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए u मालूम है, a मालूम है, t मालूम है, सिंपली पता चल गया कौन सा फार्मूला लगेगा, u की वैल्यू 0 है तो 0 ही हो जाएगा मल्टीप्लाई होने पे, प्लस हाफ a की वैल्यू 3 इंटू टी स्क्वायर है तो 8 इंटू 8, तो आंसर आया 96 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बोट इज इन 8 सेकेंड इज इक्वल टू 96 मीटर, ओके। नेक्स्ट, ए ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब देखिए कार वाला कोई है ड्राइवर जो 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है, तो यू ये हुआ 52 किलोमीटर पर आवर इनिशियल वेलोसिटी। अब उसने ब्रेक लगाना शुरू किया, ब्रेक लगाना शुरू किया तो यूनिफॉर्मली वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है, जिससे यूनिफॉर्मली उसकी स्पीड घट रही है, एंड द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में वो स्टॉप हो गई। ये एक कार का सीन था, तो पहले इसका काम कर लेते हैं। देखिए इनिशियल स्पीड ऑफ कार इज 52 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदल लेते हैं, 52 इंटू 5 अपॉन 18 14.44 मीटर पर सेकेंड, और स्टॉप हो गई कार 5 सेकेंड में, टी दिया हुआ है, रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी वी इज इक्वल टू
जीरो, वी इज इक्वल टू जीरो हुआ फाइनल ब्लास्ट क्योंकि कार रुक गई। अब इसके लिए अगर एक टेबल तैयार करें इस कार के लिए, तो देखिए कैसा टेबल तैयार होगा। ये देखिए, ये स्पीड और टाइम है, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ। तो जब जीरो सेकंड हमने जब लेना शुरू किया मेजर करना, तो स्टार्टिंग में जीरो सेकंड था, उस समय इसकी स्पीड इतनी थी, और फाइव सेकंड बाद उसकी स्पीड घट के जीरो हो गई। सही है ये टेबल। अब इस वाली कार को देखते हैं, एनादर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, कोई और ड्राइवर दूसरी कार चला रहा है, वो 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, एंड अप्लाइज हिज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप्स इन 10 सेकंड। तो ये 3 किलोमीटर पर आवर चल रहा था, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी हो गई 3 किलोमीटर पर आवर u, तो उसको और टाइम हो गया t इज इक्वल टू 10 सेकंड। तो देखते हैं इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी, इसको चेंज कर लिए मीटर पर सेकंड में 5.18 से मल्टीप्लाई करके, तो और कार जब स्टॉप हो गई तो फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू जीरो और टाइम कितना लिया 10 सेकंड। तो जब हमने मेजर करना शुरू किया टाइम इज इक्वल टू जीरो पर, जीरो सेकंड पे, तो उसकी स्पीड इतनी थी 3 किलोमीटर पर आवर, या इसको चेंज जब कर दिए तो 0.83 मीटर पर सेकंड। सही। और 10 सेकंड टाइम जब 10 सेकंड हो गया तो कार रुक गई। सही है। अब इन दोनों टेबल को हम स्पीड टाइम ग्राफ पे प्लाट करते हैं। देखिए, तो जीरो पे 14.44 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ देखिए ये टाइम वाला लाइन है, ये स्पीड वाला। तो फर्स्ट कार के लिए जीरो सेकंड पर कितना है 14.44 मीटर पर सेकंड। सही। ओके, अब घटते जा रहा है घटते जा रहा है, और 5 सेकंड जब होता है तो उसकी स्पीड देखिए घट के धीरे 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 जीरो हो गई। ये देखिए इस पॉइंट पर स्पीड जीरो है, ये देखिए 5 सेकंड पे स्पीड जीरो हो गई। दूसरे कार की क्या स्पीड सीन था टेबल में, 0 सेकंड पे 0.83 मीटर पर सेकंड। तो देखिए 0 सेकंड पर 0.83 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा, ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाते 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 ये देखिए 10 सेकंड पर इसकी स्पीड हो गई जीरो। तो हमने दोनों कार के ग्राफ को प्लॉट कर लिया। देखिए कार ए का ग्राफ ऐसा बनेगा और कार बी का ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। और देखते हैं कुछ और क्वेश्चन में पूछा है, विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक वर अप्लाइड। कह रहा है कि कौन सी कार ज़्यादा दूर तक जाएगी ग्राफ पे अप्लाई करने पर। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ज़्यादा दूर चला। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हमें निकालना डिस्टेंस है, तो इसे रीअरेंज कर लेते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो अब जब वैल्यू हम पुटअप करेंगे तो स्पीड इंटू टाइम यानी 14.44 × 5, तो 14.5 = 70 मीटर के आसपास आएगा। इस तो ये जो है देखिए लगभग 14.5 = 70 मीटर की दूरी चल लेगा। और जब यही फार्मूला हम रखेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से ही, तो हमें क्या मिलेगा इस वाले के लिए, हो गया हमारा स्पीड हो गया 0.83 × 10 टाइम, स्पीड इंटू टाइम, तो ये लगभग 8 मीटर आएगा डिस्टेंस। तो ये 70 मीटर चला ब्रेक लगने पर और ये केवल 80 मीटर तक गया, तो ज़्यादा दूरी कौन चला, ए कार। ओके, इस तरह से हम अपना कैलकुलेशन करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन 7, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर ऊंचाई से गिरा रहे हैं बॉल को, इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, जब ऊपर से गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी भाई, चेंज होगी क्योंकि ग्रेविटी के कारण, तो जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। देखिए यूनिट से मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन दिया है, हाइट दे दिया 10 मीटर, चूंकि स्टार्टिंग रेस्ट से स्टार्ट हुआ बॉल जब चली है तो रेस्ट पोजीशन थी उस समय, तो यू जीरो, जी की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है, दिया हुआ है यहाँ पे,
एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। अब फाइनल वेलोसिटी हमको निकालनी है कि जब टकराएगा तो उस समय क्या वेलोसिटी होगी, और ये भी पूछ रहा है आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और कितने देर बाद वो ग्राउंड से टकराएगा। ओके, तो ये चीजें पहले हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं कि हमको क्या क्या क्वेश्चन में दिया है, ताकि पता चल सके कौन सा फार्मूला हम लगाएंगे। तो हमें U मालूम है, H यानी S मालूम है, A मालूम है यानी G मालूम है, एक्सेलरेशन। ठीक है, जब भी हम ऊंचाई से कोई चीज गिराते हैं तो दूरी को H से रिप्रेजेंट करते हैं हाइट के रूप में, और एक्सेलरेशन को स्मॉल G से रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के रूप में। ठीक है, तो अब देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में ये फार्मूला फिट बैठ रहा है इसके लिए, क्योंकि U भी मालूम है, H भी मालूम है, G भी मालूम है, T निकल जाएगा आसानी से। तो एच की वैल्यू 20, U की वैल्यू 0 है, तो 0 ही हो जाएगा ये सेक्शन, प्लस हाफ जी, ए की जगह जी लिखे हैं तो 10 इंटू टी स्क्वायर वैल्यू रख दिया और रीअरेंज करके कैलकुलेट किया तो हमें मिला टी की वैल्यू 2 सेकेंड। अब 2 सेकेंड टी की वैल्यू मिल गई, अब ये क्लियर हो गया कि 2 सेकेंड बाद द बॉल विल टेक 2 सेकेंड टू स्ट्राइक द ग्राउंड। अब टी मिल गया हमको, अब इसके बाद पूछ रहा है कि जब ग्राउंड से टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। तो यू मालूम ही है, टी पता ही चल गया, आपको ए यानी जी दिया है तो बस वी की वैल्यू निकाल लीजिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, वी इज इक्वल टू यू प्लस जी टी या यू प्लस ए टी। तो आप यू की वैल्यू 0 प्लस जी की 10 इंटू 2 यानी 20 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, इस वेलोसिटी से वो बॉल टकराएगी। देखिए कितनी आसानी रही, हमने क्वेश्चन पढ़ पढ़ के जब सिंबॉलिक फॉर्म में निकाल लिया कि हमें क्या क्या चीज दिया है, तो कितना आसानी से हम लोगों ने फार्मूला सिलेक्ट कर लिया और वैल्यू पुट अप करके अपना कैलकुलेशन कर लिया। तो हमेशा न्यूमेरिकल में ये काम करना है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए कार इज शोन इन द फिगर। फिगर में एक स्पीड टाइम ग्राफ दिया गया है किसी कार का, तो आप देख रहे हैं इस कार की स्पीड लगातार 4 सेकंड तक, देखिए ये टाइम है 4 सेकंड, लगातार इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, इधर देखते जाइए 2 हुआ, फिर इधर 3, 4, 5, 6, ये यहाँ 4 सेकंड तक इसकी स्पीड लगभग 4 क्या है, उसके बाद भी यहाँ तक उसकी स्पीड लगभग बढ़ती जा रही है। ठीक है, लेकिन उसके बाद इसकी स्पीड कांस्टेंट हो गई, टाइम बढ़ते जा रहा, स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। पहले ये 4 सेकेंड में कार कितनी दूरी तक गई हमें ये बताना है, उस एरिया को सेट भी करके रिप्रेजेंट करना है। तो ये देखिए यहां से यहां तक 4 सेकेंड का एरिया हुआ, ठीक है। तो हम स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक बड़ा स्पेशल फंक्शन जानते हैं कि हम जो स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर में एरिया आता है उस एरिया से हम उसके मतलब ऑब्जेक्ट द्वारा चली गई दूरी निकाल लेते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये कोई स्ट्रेट लाइन तो है नहीं कि सीधा सीधा ट्रायंगल बन जा रहा हो, ठीक है। तो ये कर्व टाइप का है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड लेंगे, एवरेज स्पीड, क्योंकि हर पॉइंट पे देखिए इसकी स्पीड बदल रही है। तो हम यहाँ और 4 सेकेंड उसकी एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। ये देखिए एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। तो एवरेज स्पीड इनटू टाइम, यहाँ से यहाँ तक का एवरेज स्पीड लेंगे, तो एवरेज स्पीड लेंगे तो इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड, तो इनिशियल स्पीड अरे सॉरी फाइनल स्पीड प्लस इनिशियल कोई भी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज तो इसी तरह निकाला जाता है। तो 0 प्लस 6 और टाइम कितना हुआ, अरे 0 प्लस 6 अपॉन 2, एवरेज निकालने का तरीका यही होता है ना कि जितने एडेंट्स होते हैं उन्हें ऐड कर लेते हैं और फिर नंबर ऑफ एडेंट्स लिख देते हैं। तो हम फाइनल और इनिशियल पोजीशन की स्पीड ले रहे हैं, तो इनिशियल 0 है और 4 सेकंड पे फाइनल 6 है, ठीक। तो 0 प्लस 6
अपॉन टू, दो नंबर है सिक्स और जीरो तो नीचे आ गया टू, अगर ये नंबर थ्री होते इतना प्लस इतना प्लस इतना तो नीचे थ्री आ जाता। तो ये हो गया एवरेज स्पीड हमारी 6 + 0.2 इंटू टाइम, टाइम तो 4 सेकंड तक का निकालना है तो इंटू 4 कर दिए, तो ये आ गया कैलकुलेट करने पे हमें 12 मीटर, यानी कार जो है 12 मीटर दूरी तक जाएगी 4 सेकंड में। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार, यूनिफॉर्म मोशन कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई यही ना जो स्ट्रेट लाइन है वही पार्ट ना रिप्रेजेंट करेगा यूनिफॉर्म मोशन को, तो आंसर देख लेते हैं। देखिए यहाँ भी लिखा है फॉर यूनिफॉर्म मोशन द स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, जो हम लोग यूनिफॉर्म मोशन का स्पीड टाइम ग्राफ ड्रा किए थे उसमें हमें स्ट्रेट लाइन मिली थी जो कि पैरेलल थी टाइम एक्सिस के, सो द स्ट्रेट पार्ट ऑफ द कर्व पैरेलल टू टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार, यानी ये वाला पार्ट देखिए ये वाला स्ट्रेट पार्ट, ये स्ट्रेट पार्ट पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस ये है और इसके पैरेलल ये पार्ट है, तो ये जो है यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज, चलिए देखते हैं भाई कि ये सब सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं और एग्जांपल भी दे देंगे। एन ऑब्जेक्ट विद ए कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी, एक्सलरेशन तो हो लेकिन उसकी वेलोसिटी जीरो हो, क्या ऐसा पॉसिबल है। तो देखिए जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं वर्टिकली ऊपर की ओर, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाना शुरू करेगा तो उसके ऊपर नीचे से एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा अर्थ का, जिसके कारण धीरे 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 उसकी वेलोसिटी क्या होगी ऊपर जाते हुए घटती जाएगी, मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज आता जाएगा और एक पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो, ठीक है, तो वेलोसिटी तो जीरो हो गई लेकिन उसमें एक कांस्टेंट एक्सलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो कि अर्थ पर लगता है हर चीज पर, ठीक है, जो भी चीज गिर रही है या ऊपर फेंकी जा रही है तो वो तो कॉन्स्टेंटली काम कर ही रहा है। तो इस तरह से इस केस में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो उस मैक्सिमम हाइट पे जाने पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी लेकिन उसका एक्सलरेशन कॉन्स्टेंट रहेगा, तो ये एक केस हो सकता है। ओके दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा विद एन एक्सलरेशन इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा हो और जो एक्सलरेशन काम कर रहा है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर रहा हो उस पाथ से उस पर्टिकुलर डायरेक्शन से, तो ऐसी सिचुएशन कब होगी। तो ऐसी सिचुएशन तो बहुत सी हो सकती है, जैसे आप कोई प्लेन उड़ रही है तो प्लेन जब ऊंचाई पर है तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन में चलती है, ठीक है, तो वो तो स्ट्रेट लाइन पे या पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है लेकिन एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो तो हमेशा नीचे की ओर ही ना काम करेगी क्योंकि भाई उसके ऊपर फोर्स लग रहा है अर्थ के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स, और जिधर फोर्स लगता है एक्सलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो अगर कोई प्लेन उड़ रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो उस पर नीचे की ओर एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करता रहेगा, तो इन दोनों के बीच की डायरेक्शन क्या हुई परपेंडिकुलर, एक्सलरेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम किया। कोई बर्ड भी उड़ रही है तो भी यही सिचुएशन होगी, तो यही देखिए सेकेंड आंसर है एन एरोप्लेन फ्लाइज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बट द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट्स ऑन इट इन वर्टिकल डायरेक्शन में जो है एक्सलरेशन काम कर रहा है अलॉन्ग दैट इज अलॉन्ग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एन आर्टिफिशियल सेटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर, कोई सेटेलाइट है और वो हमारे अर्थ के चारों ओर किसी ऑर्बिट में जिसकी रेडियस इतनी है, ठीक है, 42,250 किलोमीटर, कैलकुलेट स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, टाइम दे दिया
यदि अर्थ का एक चक्कर लगाने में वो 24 आवर लगा रहा हो और उसकी रेडियस ये हो, तो जब रेडियस दे दिया और सर्कुलर पाथ है तो हम सर्कमफेरेंस आसानी से निकाल सकते हैं। तो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट आर इज इक्वल टू इतना है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन यानी उसका पेरीमीटर निकाल दें, सर्कमफेरेंस निकाल दें, तो चली गई दूरी पता चल जाएगी एक चक्कर में। तो चलिए देखते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट इज इक्वल टू 2πr, सर्किल का यही होता है फार्मूला, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, ठीक है। कैलकुलेट करने पे इतनी वैल्यू आई यानी चली गई दूरी हमें मिल गई, लगा टाइम मिल गया, तो क्या अब स्पीड नहीं निकाल पाएंगे आप? भाई आपको डिस्टेंस मिल गया और टाइम मिल गया, तो चलिए चूंकि डिस्टेंस किलोमीटर में है तो हम टाइम को आवर में ले सकते हैं, अगर डिस्टेंस मीटर में होता तो हमें टाइम को भी सेकंड में बदलना पड़ता, तो यहाँ किलोमीटर है तो आवर में कोई दिक्कत नहीं। तो फार्मूला लगाते हैं, स्पीड ऑफ सेटेलाइट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैल्यू रख दिया, कैलकुलेट किया, आ गया 11,065.48 किलोमीटर पर आवर। सिंपली आप डिस्टेंस निकाल लिए, टाइम दिया हुआ, आपने फार्मूले से स्पीड निकाल लिया। ओके, देखिए किसी बुक में एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम दिया हुआ था, इसलिए मैंने एक्सरसाइज से अलग एक प्रॉब्लम ले लिया है। ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है किसी मूविंग बॉडी का, ठीक है। तो इसमें इस ग्राफ के आधार पर कई क्वेश्चन हैं और उनके आंसर हमको फाइंड आउट करने हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला, द वेलोसिटी विद विच मोशन स्टार्टेड, सबसे पहले उस वेलोसिटी को बताइए जिससे मोशन स्टार्ट हो रहा है। तो भाई मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखिए 0 सेकेंड पर यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट हो रहा है, यानी उसकी स्टार्टिंग स्पीड कितनी रही होगी, इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड हो गया आंसर ए का। बी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट सी, जब बॉडी ए से बी पर और बी से सी पर चली गई तो उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो भाई इस समय यहाँ पर है तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन इधर ड्रा करते हैं, देखते हैं कि वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखिए 40 पर है, तो 40 पर है तो 40 मीटर पर सेकंड होगी इसकी वेलोसिटी, तो ये देखिए बी का आंसर 40 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच, देखिए ए से बी की तरफ स्पीड बढ़ते जा रहा है, देखिए यहाँ पे 20 है, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40 हो गई स्पीड, तो वेलोसिटी या स्पीड उसकी चेंज हुई ना, तो चेंज इन वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन कहलाता है। तो पूछ रहा है कि उस एक्सेलरेशन को बताइए, तो हम इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी ले लेते हैं और टाइम देख लेते हैं कि ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा, इतना टाइम, तो ये टाइम तो वही है जो ये टाइम है 3 सेकेंड, तो टाइम हो गया 3 सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी हो गई 40, इनिशियल हो गई 20, तो v माइनस यू अपन टी में 40 माइनस v 20 अपन 3, कैलकुलेट कर लिए आ गया 20 अपन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमेशा याद रखिए फिजिक्स में यूनिट का बहुत बड़ा रोल है, अगर आप यूनिट गलत लिख देते हो तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत माना जा सकता है, ठीक है। तो यूनिट याद रखिए कि वेलोसिटी का क्या होता है, एक्सेलरेशन का क्या होता है, हर एक चीज़ का। अगला क्वेश्चन, एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन बॉडी बिटवीन बी एंड सी, अब बी और सी के बीच एक्सेलरेशन कितना होगा, क्योंकि देखिए बी और सी के बीच एक्सेलरेशन कितना होगा, भाई कोई चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, अरे यहाँ पे भी 40 मीटर पर सेकंड से चल रही, यहाँ भी 40 मीटर पर सेकंड से चल रही, तो वेलोसिटी में तो कोई चेंज ही नहीं आया, जब चेंज नहीं आया वेलोसिटी में तो एक्सेलरेशन कहाँ से होगा भाई, एक्सेलरेशन तो किसे कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को ही तो कहते हैं, तो जब चेंज ही नहीं हुआ वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। भाई स्ट्रेट लाइन है ना, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो हो गया एक्सेलरेशन 0। तो देखिए यहाँ लिखा है ए इज इक्वल टू 0 बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिटवीन बी एंड सी इज 0, इसलिए यहाँ एक्सेलरेशन 0 होगा। इस तरह के न्यूमेरिकल बहुत आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, तो आपको जितने भी न्यूमेरिकल मैंने बताए हैं उनको बार बार देखना है, ध्यान से देखना है और फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है, उसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है
और फिर हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है। ओके, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मैं आगे भी इस तरह के वीडियो आपको बनाकर आपकी हेल्प करूं, तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं भी कि ये वीडियो अच्छा बन रहा है या कुछ सुधार करना है, किस तरह का चेंज आप चाहते हैं। यू शुड शेयर योर व्यूज और सब्सक्राइब कर दें यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। क्वेश्चन ये छूट गया था बीच में, यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक तीन ऑब्जेक्ट हैं ए बी सी, उनका डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। बेटा ये देखिए ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है ग्राफ के बेस पर, विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, इन तीनों में सबसे तेज कौन सा ऑब्जेक्ट चल रहा है, ग्राफ को देख कर बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए अगर हमें केवल ग्राफ को देखकर बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे तेज चल रहा है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की एक खासियत होती है कि जो स्लोप बनता है टाइम एक्सिस से, उसके बीच का एंगल, जिसका एंगल ज़्यादा होगा वही ऑब्जेक्ट सबसे तेज चलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो है बी ऑब्जेक्ट, बी ऑब्जेक्ट का टाइम एक्सिस के साथ यहाँ पर एंगल बन रहा है ऐसे, ठीक। फिर सी ऑब्जेक्ट का टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन यहाँ ड्रा कर दिए, अब ये एंगल बना सी वाले ऑब्जेक्ट का, और ए वाले ऑब्जेक्ट का यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रा कर दिए टाइम एक्सिस के, ये एंगल। तो अब देखिए बी वाले का, सी वाले का और ए वाले का किसका स्लोप ज़्यादा है, तो इसकी एंगल ज़्यादा है। ठीक है, तो बी ऑब्जेक्ट जो है फास्ट चलना चाहिए, तो आंसर भी देख लेते हैं एक बार। देखिए लिखा है द ऑब्जेक्ट फॉर विच स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज मैक्सिमम, जिस भी ग्राफ के लिए स्लोप स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो मैक्सिमम होगा, उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। ओके, देखिए गलती है यहाँ पर, लिखने में गलत कर दिया है, ठीक है, और मैंने बोल भी दिया, लेकिन द ऑब्जेक्ट फॉर विच स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप ऑब्जेक्ट की स्पीड को बताता है, तो जिस ऑब्जेक्ट का स्लोप ज़्यादा होगा मैक्सिमम, उसकी स्पीड भी मैक्सिमम होगी, दैट इज विल ट्रेवल द फास्टेस्ट। हियर द फॉर ऑब्जेक्ट बी, जो ऑब्जेक्ट बी है उसका स्लोप सबसे अधिक है, तो वो ऑब्जेक्ट सबसे तेज जाएगा। अभी मैंने समझाया फिगर में, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर ऑल थ्री ईवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, क्या कहीं भी ग्राफ से आपको ऐसा लग रहा है कि जो तीनों ऑब्जेक्ट ए बी सी हैं वो एक जगह पर मिलेंगे कहीं उस रोड पर, तो देख लेते हैं ग्राफ को, पता चल जाएगा। देखिए ग्राफ में ए ऑब्जेक्ट का स्लोप ऐसे जा रहा है, बी ऑब्जेक्ट का यहाँ से जा रहा है, सी ऑब्जेक्ट का यहाँ से जा रहा है, तो ए और बी यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, ठीक, बी और सी यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं और ए और सी यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं हमें दिख रहा है जहाँ से तीनों ऑब्जेक्ट पास हो रहा हो, ए बी एंड सी, ऐसा कोई प्लेस हमें नहीं दिख रहा है ग्राफ में, तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट से तीनों ऑब्जेक्ट होकर नहीं पास होंगे। देख लेते हैं आंसर। देखिए ऑल द थ्री ऑब्जेक्ट्स विल ईवर बी एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड इफ द स्पीड टाइम, यहाँ बार बार स्पीड टाइम ग्राफ लिख रहा है, ये देखिए मिस प्रिंट है, स्पीड टाइम नहीं डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, तो कह रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, भाई तभी अगर सबके सब एक सेम पॉइंट से होकर जाएंगे तभी ऐसा होगा। अब देखिए हियर ऑल द थ्री ग्राफ्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर सो दीज थ्री विल नेवर बी एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, तीनों ग्राफ कहीं पर भी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से होकर पास नहीं हुए हैं, तो जब एक पॉइंट से होकर पास नहीं हुए यानी रोड पर भी वो एक दूसरे को कहीं क्रॉस नहीं करेंगे, तो इसलिए कहीं भी ग्राफ में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां से वो तीनों एक साथ पास हो रहे हों, अलग अलग जगह पर भले इंटरसेक्ट कर रहे हैं लेकिन तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से होकर नहीं पास हो रहे हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सी सी का आंसर बताने से पहले डी सॉल्व कराना चाहता हूँ। पहले सी में कुछ कैलकुलेशन है इसलिए पहले डी करा दे रहे हैं। हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। जब बी सी को क्रॉस कर रहा है तो उस समय तक वो कितनी दूरी चल चुका। जब बी सी को क्रॉस कर रहा है तो कितनी दूरी चल चुका, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए कह रहा है जब बी सी को क्रॉस करता है तो बी ये है और सी ये है, तो बी सी को यहाँ पर क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दूरी होगी, देखिए यहाँ 0, 2, 4, तो यहाँ पर 6 होगा। तो जब बी सी को क्रॉस कर रहा है यानी ये दूरी कितनी हुई 6 किलोमीटर, तो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी चल लेगा, बी 6 किलोमीटर। ये देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी बाय द टाइम इट पासेस सी। जब बी सी को पास कर रहा तो उस समय तक वो 6 किलोमीटर दूरी चल ले रहा है। अब इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कैलकुलेशन पार्ट भी है, सी हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेज ए। अब पूछ रहा है कि सी कितनी दूर चल लेगा जब बी ए को क्रॉस कर रहा। जब बी ए को क्रॉस कर रहा तब तक सी कितनी दूरी चल लिया, तो चलिए ग्राफ में इसे पहले समझते हैं। इस सी का आंसर समझाने के लिए ही देखिए मैंने ये ग्राफ बनाया है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अब कह रहा है कि जब बी ए को क्रॉस कर रहा, बी ए को कहाँ पे क्रॉस कर रहा भाई, बी ए को यहाँ पर क्रॉस कर रहा, ठीक। तो इसके ठीक नीचे सी है, तब तक सी कितनी दूरी चल लिया, तो ये वाली दूरी होनी चाहिए, ठीक है। जब तक बी ए को क्रॉस कर रहा तो उसके नीचे सी यहाँ पर पहुँच रहा ना, तो यही कितनी दूरी हुई यही हमें बताना है। तो चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो अब हमें देखना होगा ये चीज़ कि ये जो सी है ये कितनी दूरी है सी द्वारा चली गई। तो अब हमको डिवीजन के हिसाब से चलना है। इसने दिया है एक स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 0.4 किलोमीटर, यानी यहाँ जो स्मॉल डिवीजन्स हैं इनकी एक एक की वैल्यू 0.4 किलोमीटर है। तो अब इसके सामने सी के ठीक सामने ये देखिए 10 के नीचे तक काउंट कर लेते हैं कितने डिवीजन हैं। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 स्मॉल डिवीजन है, ठीक, 5, 5, 10, 15, 20 और यहाँ 25 होना चाहिए लेकिन एक पहले ही यहाँ पर है, तो 24 स्मॉल डिवीजन है। तो अब 24 स्मॉल डिवीजन में 0.4 का मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए ये 24 स्मॉल डिवीजन हुआ। अब 24 स्मॉल डिवीजन का मतलब है कि 24 में 4 से हमने 0.4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आया 9.6 यहाँ तक। लेकिन आप नोटिस कीजिए कि ये जो सी है सी वाला लाइन ये 0 से नहीं स्टार्ट है, ये 2 से स्टार्ट है। तो इस 9.6 में से इस 2 को माइनस करेंगे तब ना पता चलेगा कितनी दूरी तक सी चला। तो 9.6 माइनस 2 करेंगे, तो अब जब 2 माइनस कर दिए तो देखिए ये आ गया हमारे पास 7.6 किलोमीटर, यानी कि सी कितनी दूरी चला 7.6 किलोमीटर। अब देखिए इसको बार बार समझना इसलिए ज़रूरी है कि इसी में कन्फ्यूजन होगा। हमने पूछ रहा है कि जब बी ए को क्रॉस कर रहा है यहाँ पर कर रहा तो उस समय सी कितनी दूरी चला, तो यहीं तक ना होगा, इसके ठीक नीचे सी का यही ग्राफ है, तो यहाँ तक चला। तो इसकी दूरी यहाँ पर देखिए ये वाला बॉक्स है, तो अब 1 डिवीजन का 0.4 किलोमीटर है, तो काउंट कर ले यहाँ तक का 0 से लेके यहाँ तक का डिवीजन आ रहा 24। अब 24 में 4 से मल्टीप्लाई किए 0.4 से तो हमें मिला 9.6। अब लेकिन ये जो C है C स्टार्ट आपका 0 से तो हुआ नहीं है, C तो 2 से स्टार्ट हुआ है, तो ये जो ये डिस्टेंस है इसको माइनस ना करना पड़ेगा पहले, तो 9.6 में से 2 को माइनस किए आ गया 7.6 किलोमीटर। ये देखिए व्हेन बी पासेज ए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सी इज इक्वल टू 9.6 माइनस 2 इज इक्वल टू 7.6
किलोमीटर। इस तरह से हम जो भी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में दिया हुआ है क्वेश्चन, उनको अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप लोगों को इस तरह के और भी वीडियोज चाहिए, पसंद है आपको, तो आप वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट करके यह भी बताएं कि मैं ठीक से वीडियो बना पा रहा हूँ या नहीं। यदि कुछ कमी है तो उसे मुझे बताएं। ओके, थैंक यू।